देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली एनसीआर मेट्रो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजान। आइए नजर डालते हैं। पीएम मोदी बोले, ईमानदार चौकीदार घोटालेबाजों को बर्दाश्त नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राफेल मुद्दे पर संसद में जेपीसी की मांग की। गिरिराज सिंह चौहान बोले, झांसी की रानी नहीं पुतना हो सकती है ममता बनर्जी। राफेल मुद्दे पर टीएमसी ने पीएम मोदी का मांगा इस्तीफा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन बोली, अखबार को दोनों पक्षों का वर्जन छापना चाहिए था। ओलावृष्टि के बाद एनसीआर की सड़कों पर बिछी सफेद चादर, दीवार गिरने से एक की मौत। 24 फरवरी को हो सकती है बसपा प्रत्याशी की घोषणा। नियमों को ताक पर रखकर अस्पताल बनाने और एनओसी लेने के बाद बदलाव करने पर होगी कार्रवाई। राफेल डील पर सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर हमला, सीबीआई को पीएमओ पर छापा मारना चाहिए। ग्रामीणों ने प्राथमिक स्कूल में लावारिस गायों को किया बंद, बच्चे घर भागे। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर ओलों की चादर, 38 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान डायवर्ट। 11 को ग्रेटर नोएडा में आ सकते हैं पीएम मोदी। भाजपा सांसद ने कहा, हमारे लिए तो लाहौर हाईकोर्ट इलाहाबाद से ज्यादा नजदीक है। जिन दोस्तों को खाने पर बुलाया, उन दोस्तों ने ही पत्नी के सामने की हत्या। सुपरटेक की सोसाइटी के बंद फ्लैट से 12 लाख की चोरी। अयोध्या में 7,195 करोड़ रुपए की परियोजना का आधारशिला रखेंगे नितिन गडकरी। महिला डॉक्टर ने की आत्महत्या, सुसाइड लेटर में सामने आई शोषण की बात। मामा की बंदूक से खेलते खेलते दब गया ट्रिगर, गई 14 साल के भांजे की जान। सीबीआई को जांच सौंपने के लिए लिखा पत्र, यमुना प्राधिकरण में 126 करोड़ के घोटाले का मामला। संसद में कांग्रेस ने कागज बांटे, पेपर में लिखा है क्योंकि चौकीदार चोर है। दिल्ली एनसीआर मेट्रो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।